अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ताहिरा जबीन। आई एम योर इस्लामिया टीचर फ्रॉम रियल स्कॉलर्स। क्लास प्री नाइन्थ, आज हम सब्जेक्ट पढ़ने इस्लामियात, उसके चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ख़त्म नबूवत का अकीदा, क्वेश्चन नंबर 3 है। कुरान करीम की आयत के हवाले से ख़त्म नबूवत का मफहूम वाज़े करें। ख़त्म नबूवत का अकीदा इस्लाम के बुनियादी अकायद में से है, यानी कि इस्लाम का बुनियादी अकीदा है। अगर ख़त्म नबूवत पर आप ईमान नहीं लाते तो इस दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिमुन नबीयीन यानी आखिरी नबी और अल्लाह ताला के आखिरी नबी मानते हुए वे ये तस्लीम करते हैं कि आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले तमाम अंबिया कराम जो है मुख्तलिफ ज़मानों में मुख्तलिफ औकात के में और कौमों की तरफ तशरीफ़ लाए थे, मगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी नौ इंसानी यानी तमाम नौ इंसानी तमाम दुनिया के लिए तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिलसिला नबूवत जो है ख़त्म हो जाता है। आप सिलसिला नबूवत की आखिरी कड़ी हैं, यानी इस बात पर हम ईमान रखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ता कयामत क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। इरशादे बारी ताला है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, लेकिन वो अल्लाह ताला के रसूल और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और अल्लाह ताला हर शय का जानने वाला है। यानी कुरान मजीद ने भी वाज़े कर दिया है कि अल्लाह के रसूल और आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। खातिमुन नबीन के मायने अगर देखा जाए तो सिलसिला नबूवत को ख़त्म करने वाले को कहते हैं खातिमुन नबीन। अरबी में ज़ुबान में अगर देखें तो ख़त्म के मायने हैं मोहर लगाने, बंद कर देने को हैं। ख़त्मुल किताब के मायने हैं ख़त बंद करके उस पर मोहर लगा देना, और यानी ख़त को जो है सील कर देना और ख़त को महफूज कर देने के बाद उस पर मोहर लगा दी जाती है। और इसका मतलब यह है कि ना तो उस लिफाफे के अंदर कोई चीज़ अंदर जाती है ना ही कोई चीज़ बाहर निकल जा सकती है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद यानी सिलसिला नबूवत पर जो है मोहर लग चुकी है, यानी आपके बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। ख़त्म नबूवत और अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी अगर हम अहादीस नबी देखें तो ख़त्म नबूवत के मुतालिक हमें बहुत सारी अहादीस मिलती हैं। नंबर एक है, मेरी और मुझसे कबल, कबल मीन पहले, अम्बिया की मिसाल ऐसे ही है जैसे एक शख्स ने नहायत ही खूबसूरत इमारत बनाई मगर इसके एक कोने में एक ईंट की जगह खाली रहने दी। लोग इस इमारत के गिर्द फिरते, तारीफ करते मगर कहते कि इस खाली जगह पर ईंट क्यों ना लगाई, तो वो ईंट मैं हूँ क्योंकि मैं खातिमुन नबीयीन है। यानी जो है एक ऐसी इमारत जिस पर के इर्द गिर्द लोग घूमते थे और तारीफ़ करते थे कि इतनी खूबसूरत इमारत है, लेकिन एक कोने में एक ईंट की जगह खाली थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि लोग इस पूछते थे कि ये ईंट की जगह खाली क्यों रखी है, तो वो ईंट मैं हूँ यानी कि मैं खातिमुन नबीयीन हूँ। इसकी ईंट के लग जाने के बाद ये इमारत मुकम्मल हो जाती है और इसके बाद इसमें कोई जगह नहीं बचती। नंबर दो, बनी इसराइल की क़ियादत अंबिया किया करते थे, यानी बनी इसराइल में जब भी कोई नबी मर जाता था तो दूसरा नबी इसका जानशीन होता, यानी जानशीन यानी बेटा जो है उसकी जगह नबी होता। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा, खुल्फा होंगे। नंबर तीन पॉइंट देखें कि मुझे छः बातों पर अंबिया पर फजीलत दी गई है, इनमें से एक ये है कि मेरे ऊपर अंबिया का सिलसिला ख़त्म कर दिया गया है। नंबर चार, मेरी उम्मत में 30 कज़ाब होंगे। कज़ाब किसे कहते हैं? झूठी नबूवत का दावा करने वाले जो कहेंगे कि मैं नबी हूँ, अल्लाह ताला की तरफ से भेजा हुआ नबी होने का दावा करेंगे, जिनमें से हर एक नबी होने का दावा करेगा हालांकि मैं खातिमुन नबीयीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। नंबर पाँच, मैं आकिब हूँ, आकिब कहते हैं पीछा करने वाला, और आकिब वो है जिसके बाद कोई नबी नहीं है। नंबर छः, मैं फातह और खातिम बनाकर भेजा गया हूँ। नंबर सात, मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन खिताब होता। अच्छा, अब इसके बाद है टॉपिक नए नबी की ज़रूरतें, यानी कि अगर
तो नए नबी की ज़रूरत होती है तो उसकी चार वजूहात बयान कर दी गई हैं। अगर इन चार वजूहात में से कोई एक वजह होगी तो नए नबी की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में देखें कि क्या इन चार सूरतों में से कोई वजह बनती है जिसकी की वजह से किसी नए नबी का तकर्रुर किया जाए। नंबर 1, पहले कोई नबी इस कौम में ना आया और हिदायत के लिए नबी का तकर्रुर किया जाए, यानी इससे पहले अगर देखा जाए तो 1,24,000 अम्बिया भेजे जा चुके हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ना सिर्फ मुसलमान बल्कि काफरों तक और हर के पूरी दुनिया में फैल चुकी है। तो अब पैगाम फैलाने की ज़रूरत नहीं है बल्कि कि अब किसी भी नबी की ज़रूरत नहीं है, हिदायत पहुँच चुकी है। अब सोच समझ और अक्ल को इस्तेमाल करते हुए इस हिदायत पर अमल करने की ज़रूरत है, इसलिए किसी नए नबी की ज़रूरत नहीं है। नंबर 2 पॉइंट, पहले नबी की तालीमात भुला दी गई हो या इसमें तहरीफ, तहरीफ कहते हैं तब्दीली कर दी गई हो, तो इस पर पैरवी नामुमकिन हो। अभी मौजूदा सूरत हाल में देखें तो हम ना ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को भुलाया गया है, ना ही इसमें तब्दीली की गई है, बल्कि क़यामत तक इस पर पैरवी की जाती रहेगी, इसलिए नए नबी की ज़रूरत नहीं है। नंबर 3 पॉइंट, देखिए पहले नबी के ज़रिए मुकम्मल हिदायत ना मिली हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि हज के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत नाजिल हो चुकी है, आज हमने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, तुम पर अपनी नेमतें तमाम कर दी और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को जो है चुना गया। तो जब यह आयत नाजिल होगी इसका मतलब यह है कि मुकम्मल तौर पर हिदायत नाजिल हो चुकी है, तो इसके बाद किसी नए नबी की ज़रूरत नहीं है। नंबर 4 पॉइंट, एक नबी के साथ मदद के लिए एक और नबी का तकरर किया जाए तो एक और ऐसी भी सूरत हाल नहीं है, कोई नबी मौजूद ही नहीं है जिसके साथ दूसरे नबी का तकरर किया जाए। हम इनमें से कोई भी वजह मौजूद नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल कायनात के पैगंबर बनकर आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हुस्ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ कुरान आज भी हमारे लिए हिदायत का जरिया है, इसलिए अब किसी भी नए नबी की जरूरत नहीं है, ना ही आपके बाद कोई नबी आएगा। ये लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है, ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।